रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लेकर आया हूँ मूसा कॉलोनी पे, एक बड़ी यूनिक दुकान पे। इस वीडियो को आप आकर तक देखिएगा, बहुत काम की वीडियो। और यहाँ पे जो चीज़ें मिल रही हैं वो शहर में मेरे ख़्याल से कहीं नहीं मिलती हैं, और बहुत कीमती चीज़ें हैं, बहुत शानदार चीज़ें हैं। और ये बांग्लादेश की भी बहुत सारी हैं, कुछ यहाँ की भी हैं। और मैं आपको आए दुकानदार से बुलाता हूँ। मोहम्मद सिद्दीक फरीदा। सिद्दीक भाई, ये आपने सूखी मछलियाँ सारी? जी हाँ। ये पापड़ की तरह कल के खाते हैं ना, इसको फ्राई करके खाते हैं, सालन में बनाते हैं, सालन बनाते हैं, फ्राई भी बनाते हैं, दाल चावल वगैरह भी खाई जाती है। ये छोटी छोटी, ये क्या हल्दी है? नहीं नहीं, हल्दी और नमक लगा हुआ, सूखी मछली ड्राई मछली। सूखी ड्राई मछली है, हल्दी और नमक लगा हुआ। ये क्या चीज़ है? ये झींगे। ये झींगे? अच्छा, ये भी सूखे हुए? जी हाँ, ये खासतौर पर सर्दियों में जो है ना परिंदों को दिया जाता है। अच्छा, परिंदों के लिए दिए जाते हैं, अंडे बच्चे थे। और ये मसाले आपके बने बने हुए खुद बनाते हैं आप मछली के मसाले? और ये क्या चीज़ है? ये बड़ी मछली, ये सूखी मछली है, बड़ी बड़ी साइज। अच्छा, ये जो सूखी मछली है ये ज़्यादातर जो है पापड़ की तरह तल के खाते, सालन में बनाते, फ्राई बनाते। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये बेलगिरी है। ये बेलगिरी है? बेलगिरी, ये बड़ी अहम चीज़ होती है, अहम चीज़। खासतौर पर पेशेंट लोग खाए तो बहुत अच्छा है, जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़ वगैरह, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। इसको अगर खोलते हैं तो उसमें हाँ, मैं तोड़ के दिखा देता हूँ आपको। इसमें से जो शहद निकलता है, शहद टाइप ही निकलता है, शहद टाइप का इसका लिक्विड निकलता है, मैं आपको तोड़ के बीज भी निकलता है। अभी देखते हैं, खरीद भी। और आपके पास ये अचार वगैरह भी है? अचार है, ये सब यहाँ का अचार है, बांग्लादेश का अचार है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बांग्लादेश का अचार है, ये बांग्लादेश का है। ये जबकि ये प्राण वाले की है, बांग्लादेश के ढाका। ये क्या है? 1500 रुपये की एक बोतल है। 1500 रुपये की बोतल? ये कितने ग्राम की होती है? ये तकरीबन एक पाव जैसा है। 1.5 ग्राम की बोतल है? नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ, आधा किलो से ज़्यादा है। आधा किलो से ज़्यादा की बोतल? 500 ग्राम। ये है किस चीज़ का अचार? ये देखा जो जलपाई का जलपाई का अचार है। और ये चावल है? ये चावल है, ये बांग्लादेश के। ये चावल है बांग्लादेश? चीनी गुरा। ये क्या हिसाब है? ये 1400 रुपये किलो है। 1400 रुपये किलो है? जी। अच्छा, इसकी क्या खास बात है? ये खुशबू इसकी ऐसे कि आप घर पे पकाएंगे पूरा घर पे खुशबू पड़ जाती है। अच्छा, बांग्लादेश के आइटम खास तौर पब्लिक चीनी घर में खुशबू फैल जाएगी, बहुत अच्छा। और ये कोटा चावल है? जी बिल्कुल सही है, बहुत। थाईलैंड के मिले? आता है बांग्लादेश से ही? हाँ, ये थाईलैंड के मिले, मीठे मिले। ये थाईलैंड के मिले? अच्छा, इसकी कीमत 400-500 रुपये की है। 400-500 रुपये की एक? लास्ट 400 है, वैसे 500। अच्छा, 400 या 500 रुपये इसकी कीमत है। ये कितने ग्राम की? आधा किलो? ये आधा किलो। मैं आपको ये दिखाता हूँ, पहाड़ी है शहर। अच्छा, और इतना छेद होता है जैसे गाँव देहात से खुद बंगवा है। और ये छोटी मक्खी की है, जबकि ये 760 रुपये की एक बोतल है। अच्छा, और छोटी मक्खी का? हाँ, और ये पहाड़ी का? ये पहाड़ी मक्खी का, मुख्तलिफ है, हाँ, अलग अलग क्वालिटी का होता है ना। इसके अलावा ये बिल्कुल ओरिजिनल शहद, ओरिजिनल शहद। ये क्या है? फ्राई मछली है? फ्राई मछली का मसाला। 150 रुपये का? कितने ग्राम? ये 3 किलो मछली का है। 3 किलो मछली का? कितने ग्राम का? ये ग्राम नहीं होता, हम लोग मछली को क्वान्टिटी के हिसाब से बनाते हैं। ये फ्राई मछली 3 किलो मछली का है, 150 रुपये की है, फ्राई फिश लिखा फरीजात के नाम से। फरीजात के नाम से। और ये पीछे क्या रखा हुआ है? पीछे ये झींगे है, ये सीजनों में बहुत चलते हैं ये झींगे। खास सुपर सर्दी में, सर्दी ख़त्म है, समझो इसका डाउन है। ये सूखे हुए झींगे? हाँ, सूखे हुए झींगे। ये परिंदों के लिए खास तौर पर ले रहा, हर किस्म के परिंदे। ये जो आपने आगे दिखाए थे, ये रखे हुए झींगे? अच्छा, ये झींगे परिंदे के लिए दिया जाता है, खासतौर पर अंडे बच्चे के लिए देते हैं ताकि गर्माइश हो। अच्छा, ये अपने लोग घर में जो परिंदे पालते हैं, और ये बहुत सेल होते हैं सर्दियों में, खासतौर गर्मी में इसका बहुत सीजन है। अच्छा, ये खोल के दिखाएंगे? जो पक्की भी हो ना, एक सेकंड। जब हम स्टार्ट करें ना, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, और इसके फवायद भी बता चुका हूँ पहले भी, और अब भी मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। और ये मरीज़ लोग खासतौर पर आम पब्लिक भी खा सकते हैं। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे ये तोड़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ।
ये देखिए जनाब क्या निकला ये, बिस्मिल्लाह देख ले चम्मच से ना ये बीच की जो खाक है ना चम्मच काट के दिखाएं ताकि उसको पता चले कि शहर टाइप की चीज़ है। जैसे कि ये है ना, अब इसमें कोई चीज़ जाए नहीं सवाए छिलके के। इसमें सबसे जायकेदार जो चीज़ है ना वो छिलके पे जो गूदा लगा होता है ना। अब ये देखें शहद टाइप का ही, ये हम दूध में डाला है या ऐसी चम्मच से खा लें। इसके अंदर ये बीज भी है, बीज भी, बीज तो हम बादाम की तरह है भाई और खा भी सकते हैं। सब हम गैलेंडर करें दूध में डाल के और रोज़ाना एक गिलास पिए तो मैं तो समझता हूँ दवाई की कोई ज़रूरत नहीं। अब ये चखाऊँगा मैं आप सबको ये एक एक चम्मच करके, आप खुद बोलेंगे वाकई कैसे है ये। भाई शुरू में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा लेकिन बाद में आपको बहुत अच्छा लगेगा। मजे का गुल गया एकदम मुँह में, बहुत टेस्टी है। अच्छा आपका कोई व्हाट्सएप नंबर है यहाँ का? नहीं बताइए। 0318-0318-2750-2750-314 और अगर आपसे कोई रابطہ کرنا چاہے بالکل بالکل آن لائن کے ذریعے سے آپ ہر چیز منگا سکتے ہیں۔ آپ بھی چیکیں آپ میرے سے پیسے لے لیے گا اس کے مجھے دے دیجیے۔ آپ بھی کھا تو صحیح، کیسا لگا؟ بہت زبردست، توڑ سکے اس کا جو لیا میں ٹیسٹ آ رہا ہے نا وہ پپیتا جیسے ہم کھاتے ہیں، پپیتا مینگو آپ جو کہہ سکتے ہیں، بہت ٹیسٹی تھا، بہت مزے کا ہے۔ اور آپ یہاں پہ آئیں، یہ اس کا ایڈریس بہت آسان ہے، موسیٰ کالونی میں کسی سے ہی پوچھیں گے مچھلی مارکیٹ کدھر ہے، اس میں آپ جیسے ہی آپ آئیں گے تو سیدھے آپ پہ آپ کو یہ منفرد قسم کی دکان ملے گی، بہت قیمتی دکان ہے آج کل کے دور کے حساب سے، یہ چیزیں یہاں ملتی نہیں ہیں، بنگلہ دیش کی چیزیں ہیں۔ اور یہاں پہ آئیں اور یہ خریدیں جو آپ کی مرضی۔ 1400 روپے کلو چاول، وہ چاول بتا رہے ہیں کہ اگر آپ پکائیں گے تو پڑوسی گھر سے بھی خوشبو آئے گی، پڑوس والوں کو بھی خوشبو اس کی آئے گی، اور بہت شاندار چاول ہوتے ہیں، بڑی زبردست چیز ہے ان کے بھائی۔ یہ پھل دکھایا ہے میں نے آپ کو، بہت اچھا ہے، یہ بلڈ پریشر کے مریض کے لیے، شوگر کے مریضوں کے لیے، اور بہت اچھا ہے۔ اور یہاں پہ آئیں، یہاں سے یہ چیزیں خریدیں، بہت اچھی ہیں اور یہ بڑی منفرد دکان ہے۔ آپ اسی طرح مجھے دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔